हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी अचार की रेसिपी। और इसे मैंने बनाया है आंवले से। आंवला तो पता ही है सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। आप इसे किसी भी रूप में खाएं, लेकिन जरूर खाएं। तो बस इसका मैंने अचार बनाया है और यकीन मानिए, इसका जो अचार बनकर तैयार हुआ है खाने में इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि मन करेगा इसे बार बार बनाकर रखें और खाते रहें। तो बस आइए बनाते हैं आंवले का अचार, जिसे आप काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने आंवले को काट लिया है और इस तरीके का मैंने 10 आंवले का इस्तेमाल किया है। आंवला खरीदते समय एक चीज का ध्यान रखें कि ये दाग धब्बे नहीं हो, सड़े गले नहीं हो। फ्रेश आंवला खरीदें और उसको धोकर अच्छी तरह कपड़े से पोंछकर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। अगर आंवला आपका एकदम फ्रेश होगा तो अचार जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस आंवले को मैंने काट लिया है और इसी के साथ मैंने लिया है ये लहसुन। पूरा लहसुन मैंने एक बंडल ये छील लिया है। हरी मिर्च लिया है थोड़े से, ये मेरे पास मोटी हरी मिर्चें पड़ी थी जो कि कम तीखी होती हैं, तो इसका इस्तेमाल किया है। 4-5 ये मोटी वाली हैं, बाकी ये हरी मिर्च पतली वाली हैं जो कि तीखी हैं। तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 1-2.5 इंच अदरक मैंने इस तरीके से धो के उसका छिलका उतार कर काट लिया है और पानी से अच्छी तरह साफ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे कपड़े पे डाल दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे पंखे के नीचे भी रख दें ताकि इसका जो पानी है निकल जाए। जरूरी नहीं है कि पानी बिल्कुल ही हमें सूखा कर देना है, थोड़ा बहुत अगर पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये काफी हद तक सूख चुका है। तो बस आइए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक पैन गरम कर लें और उसमें डाल दें करीब 3 से 4 चम्मच तेल। मैं ये सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि अचार बना रहे हैं तो तेल डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और इसे सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। तो बस इसे पहले गर्म हो जाने देते हैं। जब ये गर्म हो जाए तब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जीरा। 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है मैंने। 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों के दाने। सरसों भी आप काला या ये येलो वाला यानी पीला वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अभी पीला वाला पड़ा है। और इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। बस थोड़ा सा इसे चटक जाने देते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अदरक और ये जो हमने लहसुन रखा हुआ है इसे डाल दें। थोड़ा देर इसे फ्राई होने देते हैं। 2-2.5 मिनट हो चुका है इसे फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसको पहले इस तरीके से थोड़े टुकड़े में काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़े में। थोड़ा देर इसे चला लेते हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं। बीच बीच से चला लें 1-2 बार इसे। ये अचार बनाना इतना ज़्यादा सिंपल है और यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बस थोड़ा सा ये हरी मिर्च भी भून लिया है यानी फ्राई हो गया है, तो अब ये जो हमने आंवले काट के रखे हैं इसे भी डाल देते हैं। देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। 2-3 मिनट इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह। बीच बीच से इसे चलाते रहें। बड़ा ही यूनिक तरीका है इस अचार को बनाने का और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले आंवले का अचार इस तरीके से नहीं देखा होगा बनाते हुए। बस इसे मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अचार बना रहे हैं तो नमक इसमें थोड़ा प्लस में ही पड़ेगा। इसमें मैंने 3 छोटे चम्मच डाले हैं नमक और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ ये हल्दी। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें।
अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है वो एकदम धीमा कर दिया है, यानी लो कर दिया है। बस इसे कवर कर दें और धीमी आंच पर इसे पकने दें, जिससे कि ये जो आंवला और अदरक वगैरह है ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अभी करीब 5 से 6 मिनट इसे हो गया है पकते हुए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आंवला जो होता है बहुत ही जल्दी ये गल जाता है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है गलने में, और ये अच्छी तरह पक चुका है। हल्का बहुत हल्का अगर ये कच्चा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 मिनट में ये आराम से पक जाता है। अगर 2-3 मिनट इसे और पका लेते हैं तो भी ठीक है। अब बस अभी हमें करना क्या है, ये जो आलू मसलने वाला होता है इससे हम अच्छी तरह इसे मसल लेंगे, है ना, एकदम यूनिक स्टाइल। आप चाहे तो ये जो हरी मिर्ची वगैरह है इसे और ज्यादा बारीक करके डाल सकते हैं, ताकि मसलने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा इसे। इसमें मैंने नमक जो है ना थोड़ा सा और डाल दिया है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो लग रहा था कि अचार में थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने 1 छोटा चम्मच नमक और ऐड कर दिया था। क्योंकि अचार में क्या है, नमक प्लस में ही अच्छा लगता है। बस ये अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे निकाल कर किसी शीशे के बर्तन में रखें, और आप इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही आप इसे 10 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा। एकदम भुना हुआ है, कोई मॉइस्चर नहीं है इसमें, तो अचार ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और यकीन मानिए खाने में ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक बार ये ख़त्म हो जाएगा ना तो आपका मन खुद करेगा कि फिर से इसे बना के रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा है आंवला। तो बस उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।